स्वागत है मित्रों एक्सप्लेनर यदु की एक और नई वीडियो में, जहाँ पे मैं मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी करता हूँ, खासकर एनिमेशन कार्टून मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द बैड गाइज 2022। तो अब मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मिस्टर वुल्फ और मिस्टर स्नेक को देखते हैं, जो की एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। इनमें मिस्टर वुल्फ इनकी टीम का लीडर होता है। फिर ये पार्टी करने के बाद एक बैंक में जाते हैं, जिस बैंक में बहुत ज्यादा लूटपाट मचाते हैं, और फिर एक गाड़ी में बैठ के भग जाते हैं। इनके पीछे पीछे पुलिस भी लगी हुई होती है। फिर रास्ते में इनकी टीम के बाकी मेंबर भी ने ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें होते हैं मिस्टर शार्क, मिस्टर पिराना और मिस्टर टेरेंटुला। पुलिस द बैड गाइस को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर मिस्टर वुल्फ अपनी गाड़ी को ऐसे भगाते हैं कि वो उनके हाथ ही नहीं आते। फिर वो अपने सीक्रेट अड्डे पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो जगह पूरी तरीके से पैसों से भरी हुई होती है, सोने चांदी सब चीजों से। फिर वो सब लोग बैठ के न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट डायन इन सबके खूब इंसल्ट करती है और कहती है कि इन सबका कोई काम धंधा तो होता नहीं और ये बस ऐसी चोरी डकैती करते हैं, इसके साथ ये जी पाते हैं। ये सब सुनने के बाद द बैड गाइस की तो बहुत ही होश उड़ जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। फिर इन सबको न्यूज में आगे पता चलता है कि कल एक गोल्डन अवार्ड शहर के सबसे दयालु बंदे को दिया जाएगा। इन सबको पहले से पता होता है कि किसको दिया जाएगा। ये अवार्ड एक मार्मलेट नाम के एक प्रोफेसर को दिया जाएगा, क्योंकि उसने शहर के लिए बहुत ज्यादा काम करा होता है, वो सबकी मदद करता रहता है। फिर मिस्टर वुल्फ अवार्ड को चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन सब लोग उसके खिलाफ होते हैं। फिर मिस्टर वुल्फ कैसे ना कैसे करके सबको बना ही लेता है। फिर अगली रात ये सब लोग अपना भेष बदल के जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर वुल्फ एक बूढ़ी अम्मा के पर्स में पैसे देख के अपने आप को रोक नहीं पाता है, और जैसे ही मिस्टर वुल्फ उसके पर्स में से पैसे निकालने वाला होता है, बूढ़ी अम्मा का पैर स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाती है। लेकिन मिस्टर वुल्फ ने उसका पर्स पकड़ रखा होता है, इसलिए वो बच जाती है। फिर वो मिस्टर वुल्फ की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। फिर बाद में सब लोग अपने प्लान के हिसाब से उस स्टैचू को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तब वो फंस जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और इन सबको जेल ले जाने के लिए गाड़ी में डालती है। फिर मिस्टर वुल्फ सबसे कहता है कि कम से कम हमें एक चांस तो मिलना चाहिए, लेकिन सब लोग उसे मना कर देते हैं। लेकिन मार्मलेट नाम का वो प्रोफेसर उनका साइड लेता है, उनको कहता है कि कम से कम इन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। फिर मार्मलेट उन्हें अपने घर में लेके आ जाता है, उन सबसे कहता है कि अब तुम्हें अच्छा आदमी बनना ही होगा। फिर अगले दिन वो उन सबका टेस्ट लेने लग जाता है, लेकिन वो सब टेस्ट में फेल हो जाते हैं। फिर टंगा के मार्मलेट उन्हें एक गाड़ी में लेके जाता है, उन सबसे कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे जीनिफिक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन पे गलत तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उन सबको बचा के लाओ। फिर द बैड गाइज अपना भेस बदल के उस लेबोरेटरी के अंदर जाता है, पर मिस्टर स्नेक को गिनीपिक्स बहुत ज्यादा पसंद थे, तो वो सब गिनीपिक्स को अपने पेट के अंदर संभाल लेता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर वुल्फ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसके पेट में से वो सारे गिनीपिक्स को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो सारे गिनीपिक्स वहां से भाग जाते हैं और सब लोगों को लगता है कि द बैड गाइज फिर से चोरी कर रहे होते हैं, पर अब की बार उन्हें सीधे जेल ले जाते हैं। फिर मिस्टर वुल्फ प्रेसिडेंट से कहता है कि इस बार उनकी कोई गलती नहीं थी, कम से कम हमें एक मौका और दिया जाए। फिर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम्हें ये चोरी चकारी काम बंद कर देने चाहिए और बाकी लोगों की तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। उसकी ये बात सुनने के बाद मिस्टर वुल्फ बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। फिर ऐसे सोचते सोचते वो रात में एक पेड़ पे एक बिल्ली को फंसा हुआ देखता है। फिर मिस्टर वुल्फ उस बिल्ली को जाकर बचा लेता है, जिसकी मार्मलेट ने एक वीडियो बना ली थी। फिर वो उस वीडियो को अपलोड कर देता है, उस पर काफी ज्यादा लाइक व्यूज और सब कुछ आते हैं, जो कि मेरी वीडियोस पे नहीं आते। फिर सब लोग मानने लग जाते हैं कि हाँ द बैड गाइस सब अच्छे बन रहे हैं। फिर मिस्टर स्नेक मिस्टर वुल्फ से कहता है कि क्या तुम सच में अच्छे बन रहे हो। फिर मिस्टर वुल्फ उससे कहता है नहीं पागल, बस मैं सबको लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बन रहा हूँ, ये सब कुछ बस थोड़े दिनों का खेल है, फिर हम अपनी लाइफ को पहले की तरह ही जिएंगे। फिर अगले दिन मार्मलेट उन सबको एक बहुत ही रेयर मीटियोर दिखाने के लिए लेके चला जाता है, पर अब की बार भी उन बैड गाइस ने उस अवार्ड को चुराने की प्लानिंग बनाई होती है, पर बिल्कुल एंड मौके पे मिस्टर वुल्फ को मिस्टर प्रेसिडेंट की वो बात याद आ जाती है। फिर वो अवार्ड को चुराता नहीं है और अवार्ड मार्मलेट को दे देता है। फिर अवार्ड शो के बीच में ही लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से वो मीटियोर अपनी जगह से गायब जाता है और सबको लगता है कि ये सब द बैड गाइस ने करा है, और अब की बार पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। फिर मिस्टर वुल्फ कैसे न कैसे करके प्रेसिडेंट को एक पेपर पे कुछ लिख के देता है। फिर द बैड गाइस जब पुलिस की गाड़ी में होते हैं तो उनसे मिलने मार्मलेट आता है और वो सबको बताता है कि सबके पीछे उसी का हाथ था। फिर मार्मलेट द बैड गाइस को बताता है जब मीटियोर को फाइंड किया गया था तब वो भी उस वक्त वहीं पे था, उसने देखा कि उसमें काफी अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, जिसकी मदद से वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी कर सकता था। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि द बैड गाइस को एक आइलैंड जैसे जेल में भेज दिया जाता है, जिससे भाग पाना नामुमकिन होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि फिर मिस प्रेसिडेंट उस पते पे जाती है जो कि मिस्टर वुल्फ ने जेल जाने से पहले उसे एक पेपर पे लिख के दिया था। फिर जेल में मिस्टर स्नेक मिस्टर वुल्फ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिस्टर वुल्फ को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे कोई काले कपड़े पहन के आ जाता है और सभी जेलरों को हरा देता है और द बैड गाइस को वहाँ से बचा के ले जाता है। फिर हमें पता लगता है वो कोई और नहीं प्रेसिडेंट ही थी। फिर प्रेसिडेंट उन सबको बताती है कि मैं पहले एक छात्री चोर थी जो कि बड़ी बड़ी रोबरियों को अंजाम देती थी, और एक दिन जब वो गोल्डन अवार्ड को देखती है तो उसे चुराने का मन बना लेती है। फिर
फिर वो अपने आप को शीशे में भी देखती है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो अच्छाई के रास्ते पे चलने लग जाती है। फिर द बैड गाइस को प्रेसिडेंट वहां से बचा के लेके जा रही होती है और उन सब की मदद मांगती है और उन सब से कहती है कि हमें कैसे ना कैसे करके शहर को मार्वलाइट से बचाना होगा और इस चीज में उसे सबकी मदद चाहिए। पर मिस्टर वुल्फ के अलावा सब लोग उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। फिर मिस्टर वुल्फ और प्रेसिडेंट एक गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। फिर जब बाकी के गैंग मेंबर्स अपने सीक्रेट अड्डे पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं होता है। फिर मिस्टर स्नेक बहुत ही गुस्से में कहता है कि मिस्टर वुल्फ ने सारा का सारा पैसा पुलिस को दे दिया होगा। फिर हम देखते हैं कि फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मार्मलेट उस मीटियोर की ताकत को यूज करके सभी गिनी पिग्स को अपने कब्जे में कर लेता है और शहर में बहुत ज्यादा चोरियां कराता है। फिर वहां पे प्रेसिडेंट और मिस्टर वुल्फ आ जाते हैं मार्मलेट को रोकने के लिए, पर वो दोनों ही मार्मलेट के बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर स्नेक ने मार्मलेट के साथ हाथ मिला लिया होता है। फिर बाकी के बैड गाइस आके मिस्टर वुल्फ और प्रेसिडेंट को बचा लेते हैं और एक गाड़ी में मीटियोर रख के वहां से भाग जाते हैं और वो कैसे न कैसे करके रास्ते में आने वाले सभी गिनी पिग्स को मार्मलेट के कब्जे से आजाद कराते हैं। फिर द बैड गाइस और प्रेसिडेंट मिलके मार्मलेट को रोकने के लिए जाते हैं, फिर उन्हें मार्मलेट भी मिल जाता है। फिर मार्मलेट शहर के सभी गिनी पिग्स को अपने कब्जे में करके द बैड गाइस और प्रेसिडेंट के पीछे पड़वा देता है और मिस्टर स्नेक को भी धोखा दे देता है और फिर द बैड गाइस मिस्टर स्नेक की भी जान को बचा लेते हैं। और फिर जब वो ब्रिज के दूसरी ओर आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें पुलिस वालों ने चारों ओर से घेर लिया होता है। फिर वहां पे मार्मलेट भी आ जाता है और वो सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है और फिर जब पुलिस मीटियोर को चेक करती है तो वो नकली रहता है। असल में बीच में ही मिस्टर स्नेक ने चालाकी करके असली मीटियोर की जगह नकली को रख दिया होता है और फिर द बैड गाइस अपनी मर्जी से जेल चले जाते हैं और यहाँ पे मार्मलेट की जेब से भी एक हीरा निकल जाता है जिसकी वजह से उसे भी जेल में डाल देते हैं। फिर एक साल बाद द बैड गाइस जेल से बाहर निकलते हैं और प्रेसिडेंट के साथ काम करने लग जाते हैं और फिर बाद में ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें और अगर भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।